बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूनिट नंबर 10, पेज नंबर 109, द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री की झील का जजीरा। इनिसफ्री जगह का नाम है, लेक झील, आइल जजीरा। द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री की झील का जजीरा। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, और जाऊंगा इनिसफ्री। शायर कहता है कि मैं अब उठूंगा और इनिसफ्री के इलाके में जाऊंगा। इन अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड विटल्स मैट, और तामीर करूंगा वहां एक छोटा सा झोंपड़ा जो कि बना होगा मट्टी से और बांस की ये छोटे छोटे लकड़ियों से। नाइन बीन्स रो विल आई हैव देयर, आई हैव फॉर द हनी बी। रखूंगा मैं वहां पर नौ कतारों वाले बांस की लकड़ियों का एक हिस्सा, और वहां पर मैं बनाऊंगा शहद की मक्खियों की एक छाता। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और शहद की मक्खियों के बिन बिनाहट से भरे जंगल के दरमियान मैं वहां पर अकेला रहूंगा। इस पहले स्टेंजे में शायर कहता है कि मैं उठूंगा और मैं इनिसफ्री जाऊंगा, वहां पर मैं अपनी झोंपड़ी बनाऊंगा, मेरी झोंपड़ी बांस की लकड़ी और मिट्टी से बनी होगी, फिर मैं अपने लिए वहां पर मक्खियों का एक छाता बनाऊंगा, और उसी मक्खियों के छाते की जो बिन बिनाट होगी मैं उसके साथ अकेला रहूंगा। सेकेंड स्टेंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर द फीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और मैं वहां पर सुकून से रहूंगा क्योंकि सुकून धीरे से आता है, हौले से आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग, गिरता हुआ सुबह के परिंदों की आवाज और जिंगर जो गाता है। देयर मिड नाइट ऑल द ग्लिमर्स एंड नोन अ पर्पल ग्लो, वहाँ आधी रात सारी एक हल्की सी चमक और दोपहर का एक अजीब सा दीमक। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनट्स विंग्स, और शाम लिनट्स छोटे परिंदों की ये उड़ने की परों से जो आवाज निकलती है उसके बारे में शायर कहता है। आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहां पर मैं दिन रात हमेशा रहूंगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, मैं सुनता हूँ झील के पानी में हल्की फुल्की लहरें उठती हुई साहिल पर धीमी आवाज के साथ। व्हेन आई स्टैंड ऑन द रोड वे आर ऑन द पेमेंट ग्रे, जब मैं खड़ा होता हूँ सड़क या सुरमई पुख्ता रास्ते पर। आई हेयर इट इन द डीप हर्ट कोर, तो मैं इसको दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। ये पोएम जो लिखी है इसके शायर का नाम है W.B. Yeats। वो कहता है कि मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिसफ्री के इलाके में, और अपने लिए वहां पर एक छोटा सा घर तामीर करूंगा जो कि बना होगा मिट्टी से और बांस की लकड़ियों से। उसमें नौ कतारों वाले बांस की लकड़ियां होगी, और वहां पर मक्खियों की छाता, और उसी मक्खियों की छाते की बिनबिनाहट की आवाज के साथ मैं जंगल में अकेला रहूंगा। उसके बाद कहता है कि वहां पर मैं सुकून से रहूंगा, क्योंकि ये शायर सुकून की तलाश में निकलता है ताकि कोई ना हो दुनिया से दूर, इसलिए कहता है कि मैं वहां पर अकेला रहूंगा ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए मैं वहां पर अकेला रहूंगा और सुकून से रहूंगा। सुकून धीरे से आता है, वहां पर जब ये पानी गिरेगा तो उसकी आवाज मैं एंजॉय करूंगा। द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और सुबह के टाइम जो परिंदे या गिरगिट की आवाज आती है मैं उसको एंजॉय करूंगा, और रात को जो ये जिंगर की आवाज होती है मैं वो एंजॉय करूंगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनर्स, और जब शाम के ये परिंदे उड़ते हैं तो उनके उड़ने से जो आवाज निकलती है वो मैं बहुत ज्यादा तर महसूस करूंगा। आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और वहां पर जाऊंगा हमेशा, और वहां पर हमेशा रहूंगा दिन रात। मैं पानी के गिरने की आवाज सुनूंगा साहिल पर, और मैं वहां पर खड़ा होऊंगा रोड पर, और गहरे रंग की जो बुरे रंग की पगडंडी उस पर खड़े होऊंगा। आई हेयर इट ऑन द डीप हर्ट्स कोर, और मैं दिल की गहराई से इसको सुनूंगा।